आज हम लोग एक ऐसे टीम के बारे में बात करने वाले हैं जो टीम एक समय पे BGMI पे एंड पबजी पे राज करता था पूरे इंडिया। इनके ओपोनेंट्स की रूह कांप जाते था इनसे भिड़ने के टाइम। तो ये चार धुरंधर थे, इनको रोकना मानो कि नामुमकिन सा था। लेकिन अभी का फॉर्म इनका चल रहा है थोड़ा सा डामाडोल। टीम सोलो मेड, बट यहाँ पे जोनाथन नहीं। हम लोग आज बात करने वाले हैं वही सोए हुए शेर गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स के बारे में। हेलो गाइस, मैं हूं TTLXD और आप सभी लोगों का स्वागत है वन गेम ईस्पोर्ट्स के चैनल। तो अगर हम लोग बात करते हैं गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स के पूरे सफर के बारे में, तो सफर के बारे में बात करने के टाइम में हम लोगों को जाना होगा पीछे 2022 पे, क्योंकि उसके पहले तक तो सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। काफी अच्छा वैसे तो कह नहीं सकते क्योंकि पबजी बैन हो गया था, BGMI फिर से बैन हो गया था। भारत सरकार के आदेश पर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से BGMI नाम की मोबाइल ऐप को हटा दिया। सब मिला के अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंडस्ट्री में एक मेस क्रिएट हो गया था। लेकिन उसके बाद जब गेम आया उस टाइम पे जो परफॉर्मेंस है वो उतना खास हम लोगों को देखने के लिए मिला। ये था BGIS राउंड 3 में सबसे इंपॉर्टेंट दिन गॉडलाइक के लिए, क्योंकि लास्ट डे पे क्वालिफाई करना था और मैच 4 में गॉडलाइक का सामना हुआ मार्कोस के साथ। जॉनी ने फिर से एक मस्त शुरुआत की। इधर किल फीड पे दिख रहा है फ्यूरी को फिनिश कर दिया है। मार्कोस से अब सिर्फ एक ही बंदा जिंदा है, आगे पीछे जी गॉड और जॉनी दोनों ने इसे घेर लिया है। जी गॉड पीछे से मॉली सेटअप करते हुए जॉनी के लिए इजी शॉट। ओ भाई मिस हो गया। अरे यार जोनाथन गॉडलाइक इज आउट। 2022 के अंदर हम लोगों को बहुत सारे मेजर चेंजेस देखने के लिए मिले। ओशिन शर्मा जो कि एक कास्टर है और कोच भी है काइंड ऑफ, उन्होंने ज्वाइन किया था जनवरी 17 को एज अ एनालिस्ट। सोचा जा रहा था कि शायद बहुत ज्यादा हम लोगों को जो है वो एक इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा उनके खेल में, जो कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह सकते हैं उतना हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि ओवरऑल टीम का जो सिनेरियोस है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे डामाडोल था। उस टाइम पे हम लोगों को गिल एंड वीरू जो है वो फरवरी 8 को ज्वाइन होते हुए देखने के लिए मिले। लेकिन फरवरी से मार्च तक आते आते वीरू को पता चल गया कि नहीं जम रहा, तो वीरू इधर लीव करते हुए देखने के लिए मिले 2022। उसके बाद हम लोगों को शैडो ज्वाइन होते हुए देखने के लिए मिले फ्रॉम TSM एंड वो ऐसा IGL इधर ज्वाइन करते हुए देखने के लिए मिले थे, जिससे कि कुछ खास फायदा हम लोगों को 2022 पे होता हुआ नहीं देखने के लिए मिला। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हम लोग बात करें तो एक ठीक ठाक डिसेंट प्राइस पूल उनके तरफ से निकल के आया था। हो सकता है जो कंसिस्टेंट टीम को हम लोग जानते थे वो कंसिस्टेंट टीम कहने के मिसिंग था उनसे। उनके फैंस उतने ज्यादा इधर खुश नहीं थे उनके परफॉर्मेंस से, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारे चेंजेस आगे भी देखने के लिए मिलने वाले थे। लेकिन किसको पता था, क्या पता था उनके फैंस को कि शायद इसके बाद जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा बुरा होने वाला है। बारी आया 2023 की। अगर हम लोग बात करें विनिंग अमाउंट की एंड प्राइस पूल की, तो ड्रास्टिकली डाउनफॉल हुआ डायरेक्टली 90% के आसपास। टीम मानो किसी लाइक बिखर सा गया, इतना खास परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ पाया गॉडलाइक वैसे, जिसके वजह से हम लोगों को 2023 पे आके जेली ज्वाइन होते हुए देखने के लिए मिले। तो जेली ज्वाइन हुए नवम्बर 10th को 2023 के एंडिंग में, एंड वो आते ही गेम में एक इम्प्रूवमेंट कहने की थोड़ा सा तो नजर आया, एंड धीरे धीरे करके एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो ये गेम लाइक टीम जो है वो मूव होता हुआ देखने के लिए। जेली के बाद हम लोगों को जो है वो आदित्य भी ज्वाइन होते हुए उसी टाइम पे देखने के लिए मिले थे। उसके कुछ ही दिन बाद हम लोग को OR से मैक भी आता हुआ देखने के लिए मिला, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो फिर से उतना कुछ खास गया नहीं। लेकिन उसके बाद आए लोन पे गुजरात टाइगर से अपोलो। अपोलो आते ही मानो की 100% कैरी करते हुए देखने के लिए मिल रहे थे इस पूरे टीम को। कुछ दिन बाद अपोलो को पता चल गया कि ऐसा टीम उनका बहुत ज्यादा जम नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्होंने लीव किया एंड फिर से वो गुजरात टाइगर्स पे वापस चले गए। अभी के टाइम में जितना मुझे थोड़ा लीक्स एंड ऑल पता चल रहा है कि शायद एडमिनो एंड टॉप डॉग जो है वो अभी थोड़ा बहुत तो ट्रायल दे रहे हैं। अगर ट्रायल सही रहा तो हो सकता है कि गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स पे आगे चल के जो लाइनअप इधर बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा जोनाथन, जेली, एडमिनो, टॉप डॉग एंड उसी के साथ साथ जी गॉड। हालांकि जी गॉड को इधर बेंच किया जा सकता है अगर एडमिनो एंड टॉप डॉग जो है वो एक साथ खेलते हैं। आई नो बहुत सारे फैंस अभी बहुत कुछ अपने हिसाब से कह सकते हैं, ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ऑन है, आपका जो ओपिनियन है वो जरूर दीजिए। ये ड्रास्टिकल डाउनफॉल एक ऐसा डाउनफॉल है जो कि इनके फैंस को बहुत ज्यादा रुलाता हुआ देखने के लिए मिला है। इनके फैंस काफी ज्यादा दुखी हैं। ये नहीं कहूंगा कि नाखुश है, बट उनको पता है ये शेर अभी सोया हुआ है, जब जागेगा तब सबको फाड़ेगा। तो यस गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, उसी के साथ साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट से बताइएगा कि और कौन से जो टीम है या फिर आपका फेवरेट टीम कौन है, इनके बारे में आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो। मैं हूँ TTLXD और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।